करते हैं मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। जब मैं आया तो मीडिया के लोगों ने मुझसे आते आते पूछा, आप सभी पिछले दिनों मशाल लेकर सड़कों पर क्यों उतरे थे? तो मैंने कहा कि जब खेतों में हम लोग गांव ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जब खेतों में सांड भैंसा आ जाता है तो भगाने के लिए लुकियारियां मारना पड़ता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिसको सांड और भैंसा बना करके भेज दिया है उसको पकड़ के नाथ नहीं दिया तो बिहार का नियोजित शिक्षा इस बिहार के अंदर संविधान का राज चलेगा या किसी के मौखिक फरमान का राज चलेगा? क्या समझ रखा है? मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी सारे साथी हम सभी यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि अभी जितने नेता लोग आए थे मैं देखा कुछ भाई लोग विरोध कर रहे थे उनका, क्या कीजिएगा, बिहार में तो राजनेता इतना गिरे जितना झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में। हम तो इस सभा के माध्यम से कहने आए हैं चाचा, अरे आप तो हमारी नियमावली में इतनी बार पलटी मार दिए जितना आप भी पलटी नहीं मारे, और जब इतनी ही बार पलटी मारते मारते विशिष्ट शिक्षक पर आ गए तो एक बार और पलटी मार दीजिए। अगर पलटी ही मारना है तो एक बार तो पलटी और मारने देना चाहिए, क्या दिक्कत है? और आप जो सोचते हैं मोगेम्बो महोदय, काले चश्मा वाले मोगेम्बो, अगर मोगेम्बो का कोई चेला यहाँ फोटो खींचने आया है नेता से का खींच लो फोटो बढ़िया से, भेज दो इस मोगेम्बो को, अगर यह मोगेम्बो है तो बिहार का ही शेर यहाँ पर खड़ा है। तेरे जैसे कितने मोगेम्बो को देखा है आते और जाते हुए, ये कागजी कार्रवाई की जो चिट्ठियां निकालते हो वेतन काट लोगे, वेतन कटता है कटने दो, वेतन कटता है कटने दो, मस्तक कटता है कटने दो, तन को छलनी होने दो, आज जरा हम सबको सोनित की धारा में सोने दो। वेतन काटोगे काट लो, वेतन तुम्हारे काटने से हमारा वेतन कट जाएगा? लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोट रहे और कहते हो वेतन काट लेंगे और इसे शिक्षक बढ़ जाएगा? मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे मित्रों, हिंदुस्तान की धरती है, हिंदुस्तान की धरती पर जो लोग आए हैं इनका इतिहास है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं छत्रपति, मैं तो कुछ दिन तक इनका आदर किया, मैंने कहा कि चलिए ये आए हैं तो इनका कुछ आदर करना चाहिए। हमारे लोग कहते रहते हैं कि आप इतना आक्रामक क्यों बोलते हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ दिनों तक इनका आदर किया, कहा कि कम से कम अब ये सुधर जाएंगे, लेकिन हमें लगा कि मैं शिक्षक हूँ, हमारी जो भूमिका है उसको नहीं निभा रहे। शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है बच्चों को शिक्षा देना और संस्कार देना, ये शिक्षा और संस्कार देने वाला विभाग है, और जो हम देते हैं, और शिक्षा और संस्कार देने वाले विभाग का प्रमुख अगर इतना बड़ा कुसंस्कारी हो जाए जो राज्य के एक वरिष्ठ डॉक्टर को